क्लास में इशू ऑफ शेयर्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है। हमने तीन या चार टॉपिक कवर करे, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। आज उसी से रिलेटेड मैं आपको पर्टिकुलरली इंडिविजुअल टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे आप कंसंट्रेट करेंगे। पहला टॉपिक है बेटा हमारा, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। पहले मैं लूंगा सबसे पहले यहाँ पे लमसम मेथड वाला क्वेश्चन। लमसम मेथड के लिए क्वेश्चन नंबर लेने वाले हैं बच्चे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रखा है, कहता है कंपनी इशूड 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक। ऑल द अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन अ लमसम, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चे मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे 5। लमसम का क्वेश्चन है आपके पास बेटा, सारा का सारा पैसा कैसे आ गया, एक साथ आ गया। कितना अमाउंट आया बेटा, 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो हमारी एंट्री जो होगी बेटा वो होगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ठीक है। कितने शेयर्स है बेटा हमारे पास, 2.5 लाख शेयर्स है। कितने रुपए के हिसाब से है, 10, तो टोटल आ जाएगा बेटा आपका 25 लाख। तो यहां मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं 25 लाख 20। अब ये तो हो गया बेटा मेरे को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो रहा है। इसके बाद इस अमाउंट को क्या करना है बच्चे, मेरे को यहाँ से ट्रांसफर करना है किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी बेटा हमारी वो बनेगी यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा बेटा आपका 25 लाख, और यहां पे भी कितना आ जाएगा ये 20, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर्स गिवन है। तो क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पे इक्विटी शेयर्स लिख लेंगे बच्चे। जब आपको मेंशन होना कि कौन सा शेयर है, प्रेफरेंस है इक्विटी, तो आप साथ साथ क्या करेंगे उसे लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बच्चे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा अलग तरीके का करते हैं, ये भी हमने करे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं बच्चे अभी हम यहाँ पे, ठीक है। क्या ले रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप रीड करेंगे, एक्स वाई जेड लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलो। बेटा उन्होंने 10,000 एप्लीकेशन मंगवाई है 10 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन पे आ रहे हैं बेटा यहाँ पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे आ रहे हैं यहाँ पे 2 रुपए, और बाकी कितने बच गए, 3, 2, 5 और 2, 7 और 3, 10 होते हैं। तो हमें ये 10 रुपए का अमाउंट कंप्लीट करना है। तो फाइनल कॉल कितने की आ रही है बच्चे हमारी, ठीक है। अब जब इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो सिंपल क्वेश्चंस है, एंट्री हम सारी कर चुके हैं ये पहले भी। अब एंट्रीज देख लो इसकी बच्चे क्या होती है, यहाँ पे जब हम एंट्रीज करने लगते हैं, पहली एंट्री है बच्चे की हमारे पास एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा, तो हम एंट्री करेंगे बच्चे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, ठीक है। अमाउंट है बेटा 10,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए की एप्लीकेशन है मेरे पास यहाँ, 2 रुपए की, तो मेरे पास 2 रुपए के हिसाब से पैसा आएगा। वह पैसा आएगा 10,000 × 2, 20,000, 20,000, ठीक है। पहली एंट्री किस चीज की है, कि मेरे को पैसा रिसीव हुआ है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जो भी पैसा मेरे को रिसीव हुआ है उसे मेरे को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बनेगी बच्चे यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, क्या बींग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू अ कैपिटल अकाउंट। अब हमने क्या करा बच्चे यहां पे, कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी उसके बाद अलॉटमेंट की। बेटा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है जिसके अंदर हम पहले पैसा रिसीव करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं। देयर आफ्टर जितनी भी कॉल्स होंगी, जितनी भी अलॉटमेंट होंगी, पहले क्या होंगी बच्चे, वो ड्यू होंगी, उसके बाद हमें वो क्या होंगी, रिसीव होंगी, ठीक है।
अब यहां पे एंट्री देखो क्या करेंगे बच्चे हम इसकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू में अलॉटमेंट कितने का है बेटा यहां पे 3 रुपए का, तो ये अमाउंट आ गया अब यहां पे 30,000 रुपए। फिर अब ये हो गई एंट्री किसकी यहां पे, ड्यू की। इसके बाद मेरे को अमाउंट क्या होगा बच्चे यहां पे रिसीव होगा, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो आ जाएगा बेटा हमारा 30,000 रुपए। ठीक है बच्चे, इसके बाद क्या है बेटा हमारी यहां पे फाइनल कॉल है, क्या है फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल। तो अगेन पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000, और फर्स्ट कॉल कितने की है 2 रुपए की, तो 10,000 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 20,000। ठीक है, अब इस 20,000 के बाद क्या करना है हमें कि इस अमाउंट को रिसीव करना है ड्यू के बाद, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। ठीक है, ऐसे ही फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद क्या हो जाएगी बेटा हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए यहां अब क्वेश्चन पे आएंगे हम आपके, किस पे, ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब एक क्वेश्चन उठाएंगे हम, कौन सा बेटा यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन उठाते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे बस आप, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन के मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे आपका यहां पे, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पहले अच्छे से रीड आउट करेंगे। यहां पे देखिए कहता है सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। बेटा हमेशा इन क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, हमेशा इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या बनानी है बेटा यहां पे, इसकी समरी बना लेनी है बेटा। कितने 50,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से मंगवाए हैं, जिसके अंदर 3 रुपए आपके एप्लीकेशन पे हैं, 4 रुपए आपके बच्चे यहां पे अलॉटमेंट पे हैं, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि 3 रुपए आपके फाइनल कॉल पे हैं। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन वे रिसीव्ड 60,000, आपके पास एप्लीकेशन कितनी आ गई 50,000 आप देना चाहते थे, एप्लीकेशन कितनी आ गई बेटा आपके पास 60,000, तो 10,000 से क्या हो गए आप यहाँ पे एक तरीके से ओवर सब्सक्राइब हो गए। क्या हो गए बच्चे हमारे यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब। अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हुआ है तो उसने बोला कि एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर, 50,000 की एप्लीकेशन आपने एक्सेप्ट कर ली, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, ऑल द कॉल वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। यानी आपने क्या करा बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, 50K को तो एक्सेप्ट करा, 10K को आपने यहां पे क्या कर दिया रिफंड, और ये जो फाइनल कॉल है ना ये 500 शेयर होल्डर्स ने हमें पे नहीं करी। टोटल क्वेश्चन हमारा ये है यहां पे। अब ध्यान से सिर्फ यहां देखेंगे, ठीक है, देखिए बच्चे, अब फर्स्ट एंट्री करूंगा मैं सबसे पहले आपकी शेयर एप्लीकेशन के लिए। पहली दो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान से देखना। पहली एंट्री होगी बच्चे यहां पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, अमाउंट मैं नीचे मेंशन करूंगा यहां पे क्रॉस करके आपको वर्किंग नोट टाइप में। भाई मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आई है 60,000, कितने रुपए के हिसाब से आई है 3 रुपए के हिसाब से, तो बच्चे मेरे पास जो अमाउंट आया ना वो आया कितना 1,80,000 रुपए। यानी फर्स्ट एंट्री उस अमाउंट से होती है जो मेरे को एक्चुअल में रिसीव हुआ है, जितनी मेरे पास एप्लीकेशन आई है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे बच्चे हम यहां पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
डेबिटेड। अब भाई मेरे पास एप्लीकेशन आई थी कितनी बेटा 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल का एक रूल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको कि शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल वैल्यूज ही आती हैं, चाहे वो शेयर की वैल्यू हो चाहे अमाउंट वाली वैल्यू हो। तो ओरिजिनली हम कितने शेयर्स दे रहे हैं एक्चुअल में 50,000 दे रहे हैं, 60,000 नहीं दे रहे हम, कितने दे रहे हैं एक्चुअल में 50,000। तो बेटा यहां पे मैं लूंगा कितना 50,000 इंटू में 3 कितना हो गया बेटा ये 1.5 लाख। क्या हो गया यहां पे ये 1.5 लाख। क्वेश्चन में क्या मेंशन है देखो भाई, टोटल कितने थे यहां पे 60,000 थे ना। यहां देखो बच्चे ये अमाउंट कैसे आएगा 60K इंटू में 3 यानी कि 1 लाख। उसमें से 50,000 आपने कहां ट्रांसफर कर दिए जो एक्चुअल में हमें आने थे। अब एक्स्ट्रा कितने बच गए 10,000। वो क्वेश्चन में मेंशन है कि जो एक्स्ट्रा 10,000 बचे हैं वो क्या करने हैं मेरे को यहां पे रिफंड करने हैं, क्या करने हैं मेरे को वो वापिस करने हैं। तो बच्चे जब वापिस करने हैं तो आप यहां पे कर दोगे क्या टू बैंक अकाउंट 10,000 इंटू में 3 रुपए कितना आ गया बच्चे ये। अब आप देखोगे दोनों एंट्री ऊपर और नीचे बराबर हो गई, डेबिट क्रेडिट सेम हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं बच्चे अपनी। नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट की, तो वो सिंपल होने वाली है हमारी क्या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन बेटा अब ये जो एंट्री होगी ना ये उससे होगी जितने हमने एक्चुअल में रिसीव करके एक्सेप्ट करे हैं। मैंने 60,000 शेयर एक्सेप्ट नहीं करे, मैंने कितने करे हैं सिर्फ 50,000 करे हैं। अलॉटमेंट कितने का है बेटा 4 रुपए का, तो हमारे पास अमाउंट निकल के आता है 2 लाख रुपए का। यहां अलॉटमेंट ड्यू हो गया और इससे अगली ट्रांजेक्शन में अलॉटमेंट क्या कर लेंगे हम यहां पे रिसीव कर लेंगे। तो बच्चे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख 2 लाख। ठीक है, अब अगली एंट्री बहुत ध्यान से समझना बेटा क्योंकि उसमें आएगी अगर दिक्कत आएगी तो, क्या आएगी दिक्कत वो समझते हैं। अब जब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की मैं बात करूंगा तो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी है मेरी यहां पे देखिए फाइनल कॉल की है ना बेटा, तो देखो अब यहां पे फाइनल कॉल की एंट्री, पहले ड्यू की एंट्री करते हैं हम यहां पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा 50,000 शेयर्स है हमारे इंटू में लास्ट कॉल कितने की है 3 रुपए की, कितने हो गए बच्चे यहां पे हमारे यहां पे 1.5 लाख रुपए हो गए यहां पे। अब इस 1.5 लाख में से वो कहता है सारा का सारा अमाउंट मेरे पास आ गया, लेकिन 500 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने मेरे को अमाउंट पे। अब दो तरीके होते हैं देखो, आप एक एंट्री करते हो यहां पे बैंक से रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें कोई इश्यू ऑफ शेयर्स वाला रूल लगाने की प्रैक्टिकलिटी भी नहीं है। सिंपल हमें क्या सोचना है बेटा यहां पे, ठीक है सिंपल हमें क्या सोचना है यहां पे कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए आना था, 1.5 लाख में से 500 शेयर होल्डर्स ने पैसा पे नहीं करा, तो 500 इंटू में फाइनल कॉल कितने की थी 3 रुपए की, तो 500 × 3 कितने हो जाते हैं 1500 रुपए, यानी कि इस 1.5 लाख में से मेरे पास कितना नहीं आया 1500 रुपए का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। आपको करने का तरीका बता देता हूं बेटा, देखो 50,000 शेयर्स हैं उसमें से 500 ने पे नहीं किया, तो 500 शेयर्स क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आप 49,500 को मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, आप सिंपल अलग से कैलकुलेट कर लो 500 × 3 कितने हो गए 1500, भाई 1.5 लाख में से 1500 माइनस कर दो तो 1,48,500 रुपए, तो आपको रिसीव कितने हुए बेटा यहां पे 1,48,500 टू शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट 1,48,500। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चे अब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे कॉल सिनेरियो भी है तो आना चाहिए था जो 503,1500 रुपए नहीं आया है। मैंने आपको बेटा ये चीज पहले भी मेंशन करी है कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको कॉल सिनेरियो अकाउंट शो करना है तो आप करो, अदरवाइज आप सिर्फ क्या करो सीधी बैंक की एंट्री करो, कोई जरूरत नहीं है आपको कॉल सिनेरियो शो करने की। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया आपका। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद हम अगर देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको जिसके अंदर क्या होगा बेटा अब आपका प्रीमियम भी इंक्लूड होगा। ठीक है, क्या होगा प्रीमियम भी आपका इंक्लूड हो जाएगा बच्चे, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपके लिए देखो आपका क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं बेटा हम यहाँ पे 14 क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं कौन सा बेटा हम यहाँ पे, लेकिन अभी रुको प्रो राटा बेसिस के क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे कोई भी हम। ठीक है, पहले उसको समझेंगे फिर करेंगे। अभी आ जाते हैं बेटा हम किसके ऊपर, अब एक अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को सुन लेंगे पहले बस आप। ठीक है, इसमें मैं आपको बस बताऊंगा कि करना क्या है। क्वेश्चन है बेटा द कल्याण कॉटन मिल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2011 विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो बेटा 1 लाख शेयर है ₹10 के हिसाब से, द कंपनी इशूड बेटा 1 लाख शेयर है लेकिन कंपनी ने इशू कितने करे 42,000 शेयर ऑफ विच 40,000 शेयर वर टेकन बाय द पब्लिक। कंपनी इशू करती है 42,000 शेयर लेकिन सब्सक्रिप्शन कितने के लिए आता है 40,000 शेयर के लिए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया ये। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता कि कंपनी ने इशू किया था 42,000 शेयर के लिए रिक्वेस्ट कितनी आ गई हमारे पास 45,000 शेयर के। तो अभी ये जो क्वेश्चन है अंडर सब्सक्रिप्शन का है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं करना बच्चे, हमें क्या करना है अब सारी की सारी जो जनरल एंट्रीज होंगी वो 40,000 वाले अमाउंट से होंगी, यानी जो नंबर ऑफ शेयर 40,000 है ना जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, जैसे सेम एंट्री आप करते आ रहे हो सारी होंगी। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर एंट्री होंगी बेटा आपकी कौन सी 40,000 वाले, यानी जो कम वाला अमाउंट है जितना एक्चुअल में आपको रिसीव। ठीक है, देखिए बेटा अब हम यहाँ पे करेंगे एक 18th क्वेश्चन जिसमें आपका टॉपिक क्लियर होगा यहाँ पे प्रीमियम वाला। ठीक है, प्रीमियम का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अब, क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे। कहता है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 11,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। साथ ही साथ मैं इसका वर्किंग भी तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा। 11,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है मेरे को ₹10 के हिसाब से रिसीव हुई है। आगे वो कहता है कि 10 each issued at the premium of 20%. किस पे किया है बेटा उसने 20%। तो बेटा 11,000 का 20% नहीं, ₹10 का 20%, यानी जो आपका अमाउंट है उसका 20% कितना हो जाएगा ₹2। तो कितना हो गया ये 10 जमा 2। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वॉज अंडर सब्सक्राइब बाय 1,000 शेयर्स। इशू क्या है 1,000 से कम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 1,000 हमने इशू करे थे तो 1,000 कम से हुआ है, तो कितनी एप्लीकेशन आई है सिर्फ 10,000 आई है। तो सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन होंगी यहां पे किससे होंगी बेटा 10,000 से होंगी। अब एंट्री क्या होनी है इसमें ये देख लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों आएगा, क्योंकि ये लमसम वाला केस है बेटा। एप्लीकेशन जो आएंगी ना हमारी वो आएंगी यहां पे अब कितनी 10,000 एप्लीकेशन आएगा, कितना अमाउंट ₹12, कितना आएगा क्योंकि हमें टोटल कितने रिसीव हो रहे हैं ₹12 के हिसाब से। तो ये अमाउंट हो गया कितना एक वे 1,20,000। अब इसकी अगली एंट्री थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कैसे अब आप जब यहां एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, यही गलतियां होंगी जो होंगी आपकी बेटा। 10,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई थी इनटू में ₹12 के हिसाब से कितना अमाउंट आ गया यहां 1,20,000। मैंने आपको क्या बोला था बच्चे अभी कि शेयर कैपिटल में हमेशा चाहे आप नंबर ऑफ शेयर्स की बात करो चाहे उसके प्राइस की बात करो हमेशा क्या आएगा वो ओरिजिनल आएगा। तो बेटा नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो सही है हमारी 10,000
लेकिन क्या एक्चुअल प्राइस 12 रुपए है? नहीं, एक्चुअल प्राइस कितना है? 10 रुपए है। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? ये 10 रुपए आएगा, तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 1 लाख। दूसरा जो आया वो क्या आ गया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू में 2, कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? ये 20,000। तो अगर प्रीमियम की एंट्री आती है तो वो इस तरीके से होगी। एक दूसरा नोट क्या है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ है, जैसे यहाँ तो लमसम का केस था तो हमें पता चल गया कि भैया हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में सिंगल एंट्री में ही लेना है। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें ये कह रखा है कि भाई 12 रुपए का है शेयर 10 जमा, लेकिन नीचे ये स्पेसिफाई नहीं है कि आपने प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे लेना है, अलॉटमेंट पे लेना है, फाइनल कॉल पे लेना है, तो उस कंडीशन में प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के केस में लिया जाएगा। ठीक है, हमेशा किस पे लगाओगे आप वो प्रीमियम? अलॉटमेंट पे लगा दोगे बिना किसी उसके। क्यों? क्योंकि ये रीजन होता है, क्योंकि बेटा फर्स्ट कॉल हो गई किस पे? डाउन पेमेंट के बाद सबसे पहले क्या होता है? अलॉटमेंट। तो कंपनी प्रीमियम क्या रिसीव कर लेती है? पहले ही ले लेती है अपना उनसे। ठीक है,